हेलो प्यारे छात्रों, मैं सुनील सिंह आपके अपने क्विक रिवाइजर मास्टर चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपको कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.6 के 2 नंबर के सभी सवाल बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है, दी तो धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे जो पूछे उसको माना जाता है। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है पढ़िए, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल 2 के तैरने की चाल बढ़ जाएगी, ऋतु की तैरने की चार यानी जुड़ जाएंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या है, 2 घंटा और दूरी क्या है, 20 किलोमीटर। दो घंटे समय है और दूरी है 20 किलोमीटर। तो सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो चाल क्या है x प्लस वाई, दूरी क्या है चाल x प्लस वाई और दूरी हो गई 20, समय हो गया 2 घंटा। 2 से काट दीजिए, 2 × 20, तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल निकालेंगे, धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल बराबर जब प्रतिकूल में जब तैरेगी धारा ऐसे बह रही है, अब वो ऐसे तैर रही है, तो उस कंडीशन में उसके तैरने की चाल घट जाएगी यानी कम हो जाएगी। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है, 2 घंटे, समय बराबर 2 घंटे, समय 2 घंटे और दूरी क्या है, 4 किलोमीटर। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है, x माइनस वाई, दूरी क्या है, दूरी 4 किलोमीटर और समय हो गया 2। 2 से 4 काट देंगे, 2 × 2, 2 × 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया,
समीकरण दो, x माइनस वाई बराबर दो तो समीकरण दो। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से किसी भी विधि से हल करना है। तो x का गुणांक एक है, x का गुणांक एक है, दोनों चीज बराबर प्लस प्लस के हैं और y के गुणांक भी बराबर हैं। तो यदि हम x को काटना चाहते हैं तो दोनों के चिन्ह समान है तो इनको घटाना जाएगा। यदि हम y के गुणांक काटते हैं तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग हैं तो जोड़ने में कट जाएंगे। तो समीकरण दो एक और दो को जोड़ दिया जाए तो आसानी से हल हो जाएगा। समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर दस, एक्स माइनस वाई बराबर दो। जोड़ने में वाई वाई कट जाएंगे, प्लस माइनस कहें एक्स में एक्स जुड़ेगा कितना आएगा दो एक्स, एक्स में एक्स जोड़ेंगे दो एक्स और दस में दो जोड़ेंगे बारह, दो बटन चला जाएगा तो एक्स बराबर बारह बटा दो, दो से बारह काटेंगे तो दो एक नौ दो दो छंग बारह तो एक्स बराबर छः, एक्स बराबर छः आया। एक्स का मान समीकरण एक रखिए चाहे दो में रखिए, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर तो समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर दस, एक्स का मान छः है तो छः प्लस वाई बराबर दस, छः बार माइनस चला जाएगा वाई बराबर दस माइनस छः तो वाई बराबर दस से छः कटाएंगे चार। तो लिखेंगे अतः ऋतु की स्थिर, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या आया छः, तो छः किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y माना गया तो y का मान कितना आया चार, तो चार किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल है दूसरा नंबर, दो महिलाएं एवं पांच पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ चार दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीन महिलाएं एवं छह पुरुष इसको तीन दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो मानेंगे, माना एक अकेली महिला कार्य पूरा करने में एक अकेली महिला कार्य पूरा करने में समय लेगी बराबर दिन, तो एक दिन में कितना पूरा करेगी, एक दिन में कार्य पूरा करेगी बराबर एक बटा एक्स भाग, एक्स का उल्टा एक बटा एक्स भाग। एक पुरुष कार्य पूरा करने में समय लेगा बराबर y दिन, एक दिन में कार्य पूरा करेगा बराबर एक बटा y भाग।
प्रथम शर्तानुसार दो महिलाएं पांच पुरुष एक कसीदे के काम को चार दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक दिन में कितना पूरा काम करती है? एक बटा एक्स भाग। तो दो महिलाएं कितना काम पूरा करेंगी? तो दो बटा एक्स भाग। एवं पांच पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में कार्य पूरा करेगा बराबर एक बटा वाई भाग। तो पांच पुरुष तो पांच बटा वाई भाग हो जाएगा। एक दिन का निकल रहा है, चार दिन पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन कितना पूरा करेगा? एक बटा चार भाग मानना पड़ेगा। बटा में चार पद आ गया, माना एक बटा एक्स बराबर पी और एक बटा वाई बराबर क्यू। दो गुणे एक बटा एक्स तो दो गुणे पी, तो दो पी प्लस पाँच गुणे एक बटा वाई, तो एक बटा वाई क्यू है, तो पाँच गुणे क्यू यानी पाँच क्यू बराबर एक बटा चार। चार के इधर गुणा करा दीजिए, तो चार दूनी आठ पी, चार पंजे बीस क्यू बराबर एक। ये हो गया समीकरण एक। बात समझ में आई? दो महिला एक महिला एक दिन काम पूरा करेगी बराबर एक बटा एक्स भाग। यहाँ लिख लीजिए, एक महिला एक दिन में काम पूरा करेगी बराबर एक बटा एक्स भाग। एक पुरुष एक दिन में कार्य पूरा करेगा बराबर एक बटा वाई भाग। तो दो महिलाएं हैं प्रथम शर्त अनुसार, दो महिलाएं हैं तो दो बटा एक्स भाग काम पूरा करेंगी एक दिन में। पांच पुरुष काम कर रहे हैं तो पांच बटा वाई भाग एक दिन में काम पूरा करेंगे। और टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? चार दिन में। तो एक दिन कितना समाप्त होगा? एक बटा चार भाग। इन दोनों का टोटल कार्य एक दिन में एक बटा चार भाग हो जाता है। इसमें मानेंगे बटा में आ गया ना चर पर, तो एक बटा एक्स बराबर पी और एक बटा वाई बराबर क्यू। यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, एम एन पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ रखेंगे तो दो गुणे एक बटा एक्स, तो एक बटा एक्स मान पी, दो गुणे पी दो पी और पाँच क्यू बटा एक बराबर एक बटा चार, तो चार गुणा में आ गया, चार गुणी आठ पी, चार पंजे बीस क्यू बराबर एक। समीकरण एक। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा पढ़िए। तीन महिलाएं छह पुरुष किसको तीन दिन में पूरा कर सकते हैं? तो तीन महिला कितना काम करेंगी एक दिन में? तीन बटा एक्स भाग प्लस छह पुरुष कितना काम करेंगे एक दिन में? तो छह बटा वाई। तीन महिलाएं और छह पुरुष काम को कितने दिन समाप्त कर रहे हैं? तीन दिन में। तो एक दिन कितना काम कर समाप्त करेंगे? एक बटा तीन भाग। तो इसका गुणा एक बटा एक्स और गुणा एक बटा वाई, वही मुझे माने थे रख देंगे, तो तीन पी तो एक बटा एक्स पी होगा, तीन गुणा पी तीन पी और छः क्यू बराबर एक बटा तीन। तीन के गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा? तीजा नौ पी और तीछंक अठारह क्यू प्लस का और बराबर एक। समीकरण दो नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा सब। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ये आठ पी है, यहाँ नौ पी है, गुणांक बराबर करना है, तो इसके गुणांक का इसमें गुणा करा देंगे, पी के गुणांक नौ का इसमें गुणा करा देंगे समीकरण एक में, और इस वाले पी का गुणांक का समीकरण दो में गुणा करा देंगे। लिखेंगे समीकरण एक में नौ का तथा समीकरण दो में आठ का गुणा कराने पर, कराइए नौ का नौ ठीक बहत्तर पी, बीस का नौ करो बीस में एक सौ अस्सी क्यू बराबर नौ का नम नौ,
इसमें कराइए 8 का 8 × 72 भी प्लस 18 × 8 = 144 क्यूब, 8 × 8 ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर बहत्तर पे प्लस प्लस के हैं, तो इसलिए इनको घटाया जाए क्योंकि काटना है। तो लिखेंगे 72 + 180 = 9, 72 + 144 = 8। चिन्ह बदल लिए, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस माइनस 72 × 72 प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, 10 × 4 = 6, 7 × 4 = 3 और 9 × 4 = 1, तो q = 1/36 आ गया। अब क्यों का मान चाहे समीकरण 1 रखिए चाहे 2 रखिए, नोट कर लीजिए, डालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्यों का मान रखने पर तो 8p + 20 × क्यू का मान है 1/36 = 1। इसको काटिए, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 4 × 4 कट जाएगा, तो 8p = 1 − 5 × 5/9, 5 कर दीजिए, लासा ले लीजिए, तो 8p = 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 9, 5, तो 8p = 9 − 5 घटाएंगे कितना आएगा 4, 9, ये 8 जो गुणा में बटम चला जाएगा और 9 के साथ गुणा हो जाएगा, तो p = 4/9 × 8, 4 से 8 कट रहा, काट दीजिए, 4 × 9 = 4, 4 × 2 = 8, तो p = कितना आ गया 1/18, p का मान आ गया 1/18। तो हमने क्या माना था, 1/x = p, पी का मान रखिए, तो 1/x = अतः 1/x = p और 1/x = p का मान क्या है 1/18, 3 से 6 गुणा करा दीजिए, तो x = 18, अतः एक एक्स का मान कितना आ गया 18। 1/y = q माना गया था, तो 1/y = q का मान 1/36 आया है, 3 से 6 गुणा करा देंगे, तो y = 36। तो लिखेंगे अतः एक अकेली महिला 1 अकेली महिला कार्य पूरा करेगी बराबर, कार्य पूरा करेगी बराबर x दिन में, तो x कितना है 18 दिन, 18 दिन में पूरा करेगी। एक पुरुष कितना काम करेगा, एक पुरुष कार्य पूरा करेगा बराबर, ये पुरुष कार्य पूरा करेगा बराबर y का मान कितना है 36, तीसरा नंबर देखिए, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है,
यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो शेष बस द्वारा यात्रा करती है उसे 4 घंटे लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करती है बराबर 60 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी क्या है 60 और चाल क्या है x, तो 60 बटा x घंटा। बस द्वारा दूरी तय करती बराबर 300 किलोमीटर, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो कितनी दूरी बस द्वारा चलती है, तो 300 से 60 घटाएंगे कितना आएगा 240 किलोमीटर। तो सूत्र लगाइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी क्या है, दूरी 240 किलोमीटर और बस द्वारा चाल क्या है, बस की चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 240 बटा y घंटे। तो कुल लगा समय कितना, लगा समय 4 घंटे लगते हैं उसको, तो लिखेंगे कुल समय बराबर 4 घंटे। तो ये रेलगाड़ी द्वारा समय है 60 बटा x प्लस, और बस द्वारा समय ये है 240 बटा y बराबर 4 घंटे। मानेंगे, माना 1 बटा x बराबर p, 1 बटा y बराबर q, 60 गुणे 1 बटा x है तो 60p प्लस 240 गुणे 1 बटा y है तो 240 गुणे q यानी 240 q बराबर 40 बराबर 4। 4 से डिवाइड हो रहा है तो काट दीजिए, लिखेंगे 4 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो 4 को भाग देंगे कितना आएगा 15 चौके 60, तो 15p, 4 को भाग देंगे 4 से 24 0 यानी 60 और क्यू बराबर 4 × 4, समीकरण 1 हो गया। नोट कर लीजिए इसे। अब लिखेंगे
द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की बराबर कितना की 100 किलोमीटर। समय कितना लगा दूरी तय करने में? लगा समय बराबर दूरी बटा 4। ये सूत्र है। दूरी क्या है? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चाल, रेलगाड़ी की चाल एक्स, तो हो गया घंटे। अब लिखेंगे बस द्वारा दूरी तय की बराबर तीन सौ किलोमीटर है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले तो कितनी दूरी बची? 200 किलोमीटर, और वही 200 किलोमीटर बस द्वारा दूरी तय करेगी। तो लगा समय बराबर लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है? 200 किलोमीटर। और बस की चाल क्या है? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कुल लगा समय दस मिनट अधिक, यानी 4 घंटे से 10 मिनट अधिक। तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट, इसको हल करेंगे तो 4 घंटा प्लस 10 बटा 60 घंटा, दोनों को घंटा बना लिया जाए। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 का भाग देंगे, 0 0 काट दीजिए, 6 6 24 6 6 24 1 25, तो 25/6 घंटा, 25/6 घंटा। तो कुल लगा समय क्या है? रेलगाड़ी द्वारा समय ये है और बस द्वारा लगा समय ये है, दोनों को जोड़ देना है। तो 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6 मानेंगे। माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। तो इसका गुणा 1/x है तो 100p हो जाएगा, और प्लस 200 × 1/y है तो 200q बराबर 25/6। नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा। तो 6 का हम यहाँ गुणा करा देंगे, तो 600p प्लस 6 × 1200 बराबर 25। 25 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 25 से भाग दे देंगे दोनों ओर। दोनों ओर 25 से भाग देने पर 25 × 50 10 बढ़ा, तो 25 × 100 24p। इसमें 25 भाग दीजिए, 25 × 100 25×8 = 200 q = 1 25×25 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल किया जाए विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए गुणांक को हम बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए इनका हम 15 24 का चालासा लेके पता कर लेंगे कितना आ रहा है, या 15 24 गुणा कराएं, 24 का 15 का पूरे समीकरण गुणा कराएं
इस 24 का गुणांक इसमें गुणा कराए 24 का, तो 24 15 का हम लासा ले रहे, ज्यादा सरल रहेगा कि बराबर करना है गुणांक, तो 12 15 नहीं कटेगा, 2 6 12 15 नहीं कटेगा, 2 3 6 15 नहीं कटेगा, 3 5 15 5, 2 2 4 2 8 3 4 5 120, तो 120 हमको लाना है। हम 15 8 120, तो 8 का गुणा कराएंगे और 24 5 120, तो इसमें 5 गुणा कराएंगे, तो लिखे हैं समीकरण 1 में 8 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा कराने पर, तो इसमें 8 का गुणा कराएंगे 15 8 120 भी 8 का गुणा कराएंगे अछंग 48 480 क्यू 8 9 8, समीकरण 3 हो गया। अब इसमें हमको 5 गुणा कराना है 120 बनाने के लिए, तो 24 5 120 भी अब 5 कराएंगे 5 8 40 5 6 20 4 24 240 क्यू बराबर 5 1 5, समीकरण 4। 120 भी काटना है तो दोनों समीकरणों को घटाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है, काटने के अलग अलग चिन्ह चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो उतारिए 120 पी प्लस 480 क्यू बराबर 8, 120 पी प्लस 240 क्यू बराबर 5। चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस का है, तो प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, दोनों कट गए, प्लस माइनस का है, ऊपर प्लस छिपा है, 480 से 240 घटेगा, प्लस माइनस का है, ये चिन्ह ही माना जाएगा, तो 240 ही आएगा क्यू, और 8 से 5 घटेगा तो 3 आएगा, 240 बटन चला जाएगा तो 3/240, 3 से 240 कटेगा तो 3 1 9 3, 3 8 24 0, तो क्यू बराबर 1/80 आ गया। अब क्यू का मान समीकरण 1 रखिए चाहे 2 में रखिए, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर, तो उतारिए समीकरण 2, 24 भी प्लस 48 गुणे क्यू कमान 180, 48 गुणे क्यू कमान 80 बराबर 1, इन दोनों को काटिए 16 से कट जाएंगे, 16 3 48 और 16 5 80, 3/5 बचा उधर भेज दीजिए, तो 24 पी बराबर 1 - 3/5, लासा लेंगे तो 24 पी बराबर 5 1 का लासा 5, 1 का 5 भाग 5 है, गुणा करेंगे 5 1 9 5, माइनस 5 5 भाग 1 का गुणा करेंगे 3, तो 24 पी बराबर आ गया 5 से 3 घटाएंगे 2/5, ये 24 को भेजेंगे तो बटन चला जाएगा, तो पी बराबर 2/5 × 24, 2 से 24 कटेगा, 2 1 2 12 2 24, तो पी बराबर 1/12 × 60। तो लिखेंगे अतः 1/x = p माने थे, तो 1/x = p का मान कितना है 1/60, 3 6 गुणा कराएंगे तो 1/60, एक बटा वाई बराबर क्यू माना गया तो 1/y = q का मान है 1/80, 3 6 गुणा कराएंगे तो y = 80 आ जाएगा।
लिखेंगे आता है। रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या माने थे, एक्स, एक्स मान 60 आ गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल बराबर वाई माने थे, वाई का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नोट कर लीजिए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने मित्रों को भी मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।